खबर फतेहपुर से है। फतेहपुर में 12 जून 2021 को दिन शनिवार को जिला कारागार फतेहपुर में अशिक्षित निरुद्ध बंदियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से साक्षरता मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी श्रीमती अपूर्वा दुबे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर साक्षरता मिशन कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ किया। महिला बंदियों ने आए हुए अतिथियों के का गीत के माध्यम से भी स्वागत किया। जेल के अधिकारियों द्वारा उपस्थित मान्यवर अतिथियों को पुष्प गुच्छ व बैच अलंकरण भी दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस पुनीत कार्य एवं नई पहल के लिए जेल प्रशासन, शिक्षा विभाग, अयुम वेलफेयर सोसाइटी को धन्यवाद देती हूं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से जहां बंदियों के जीवन स्तर में सुधार आएंगे, वहीं बंदी इनको अपने जीवन में उतार कर मुख्य धारा से जुड़कर अपने जीवन में बदलाव ला सकेंगे। उन्होंने कहा कि जीवन को सार्थक बनाने का मौका मिल रहा है तो सीख कर अपने जीवन को सार्थक भी बनाएं। उन्होंने कैदियों को बैग, चश्मा और सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके बंदियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। जेल अधीक्षक मोहम्मद अकरम ने कहा कि साक्षरता मिशन के तहत बंदियों को शिक्षित करके व्यक्तित्व में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा के बिना व्यक्ति बिना पंख के चिड़िया के समान है। वर्तमान में जेल में 1600 बंदियों के सापेक्ष लगभग 300 बंदी निरक्षर हैं, जिन्हें साक्षर करने का कार्य किया जाएगा। ट्रुथ मिशन स्कूल के माध्यम से इस शिक्षण सामग्री प्राप्त हो गई है। कैदियों को माध्यमिक शिक्षा, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक की डिग्री भी दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि महिला बंदियों के छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना कराई जाएगी। ऐसे साहसी कार्यों को संपन्न करने के लिए जिलाधिकारी महोदया का भी सहयोग मिल रहा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र प्रताप सिंह, सचिव प्रेरित मान सिंह, शरद मान सिंह सहित जेल प्रशासन उपस्थित रहे। ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए फतेहपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।